नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत बताया गया है कि प्रदेश के 4 जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अररिया, सुपौल, मधुबनी और किशनगंज के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि 26 से 28 जून के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट अगर हम माने तो 26 जून को पूर्णिया कटिहार में, 27 जून को किशनगंज पूर्णिया एवं 28 जून को पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में, शिवहर में, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ इन जिलों में चेतावनी के रूप में कहा गया है कि इस दौरान जो है जब बारिश हो तो आप अपने घर में रहें। 26 से 28 के बीच में एक कॉमन जिला है पूर्णिया, जहां की लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया ये वो जिले हैं जहाँ मानसून के शुरुआती दिनों में बारिश खूब देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से इन जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। बता दें कि मानसून सक्रिय होने के साथ साथ इन जिलों में बारिश होती रही है। हमने पहले ही कहा, पिछले दिनों हुई बारिश के आंकड़ों को देखें तो किशनगंज में गलगलिया में 90.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश यही किशनगंज के ही गलगलिया में दर्ज की गई है। वहीं किशनगंज के तैयबपुर में 57.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, बक्सर के इटाढ़ी में 46.4, भभुआ में 42.4, औरंगाबाद के रफीगंज में 40.4, सिवान के सिसवन में 34.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में बारिश दर्ज की गई है और यहाँ पे 3.4 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। बिहार में मानसून एक्टिव होने के साथ साथ प्रदेश में बारिश हो रही है, साथ ही साथ आंधी तूफानों और वज्रपात की भी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से 7 लोगों की जान चली गई। बता दें कि मोतिहारी में 3 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा सिवान, बेतिया, शेखपुरा और औरंगाबाद में वज्रपात होने से एक एक व्यक्ति की जान चली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि आपात की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में देने का निर्देश किया है। साथ ही साथ सीएम ने लोगों को खराब मौसम में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड व उसके आसपास के इलाके में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 2 दिनों में बारिश होने की पूरी संभावना है। इन दिनों पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में कमी देखी जा रही है। खासकर दक्षिण के जिलों में राजधानी पटना में तापमान में कमी देखने को मिली है, क्योंकि इन जिलों में मानसून एक्टिव होने से पहले ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के दक्षिण के जिलों में हो रही बारिश से लोगों को अब राहत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, जिससे कि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी देखी जा सकेगी, क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश होना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।